अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौसूल में आईएसआईएस की हार पर इराक के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। ट्रंप ने कहा कि मौसूल में हार आईएसआईएस के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इससे नई तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। मौसूल पर 3 साल से आईएसआईएस का कब्जा था और करीब 10 महीने के संघर्ष के बाद ये सफलता मिली। सीरिया के रक्षा विभाग ने पलमायरा में आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी का वीडियो जारी किया है। वीडियो में प्लेन और टैंक से बमबारी दिखाई गई है। सेना का दावा है कि उन्होंने इलाके में कुछ तेल के कुओं पर फिर से कब्जा कर लिया है। आईएसआईएस की समाचार एजेंसी अमाक ने दावा किया है कि सीरिया के रक्का शहर में सेना की ओर से बमबारी की गई है। अमाक ने जो वीडियो जारी किया है उसमें इमारतों से निकलते धुएं को दिखाया गया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने खबर की पुष्टि की है, पर अभी ये साफ नहीं है कि इस बमबारी में कितने लोगों की जान गई। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने मिस्र में आर्मी के चेकपोस्ट पर हमले की तस्वीर जारी की है। उत्तरी सिनाई में हुए इस कार बम धमाके में 23 सैनिकों की मौत हो गई थी। ये हमला हाल के दिनों में सैनिकों पर हुआ सबसे भीषण हमला है। नॉर्थ कोरिया में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण का जश्न मनाया गया, जिसके लिए एक म्यूजिक शो का आयोजन किया गया जिसमें खुद किम जोंग उन शामिल हुए। नॉर्थ कोरिया ने पिछले मंगलवार को मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया था। ये भी कहा गया है कि ये मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस बारिश से बेहाल हो गई है। भारी बारिश और तूफान के बाद करीब 20 मेट्रो स्टेशनों में पानी भर गया, जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया गया। एक घंटे के अंदर इतनी ज्यादा बारिश हुई कि 137 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। मेक्सिको के शहर ग्वाडलहारा में गैंगवार का खौफनाक चेहरा देखने को मिला। यहाँ ड्रग माफिया ने अपने विरोधियों को डराने के लिए 3 लोगों की हत्या कर एक पुल से लटका दिया। इतना ही नहीं, शवों के ऊपर पोस्टर भी लगा दिए। स्पेन के पैम्पलोना में बुल रेस में सांड की सींग से चोट खाकर 2 लोग घायल हो गए। गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। रेस में लोग सफेद कपड़े पहन सांडों के सामने भागते हैं। इस रेस को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। चीन का दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी इलाका भारी बारिश और तूफान की चपेट में है। भारी बारिश से इलाके के 24 पुलों को नुकसान की खबर है। वहीं एक 5 मंजिला इमारत बारिश के बाद ढह गई। हालांकि इमारत से सभी लोगों को वक्त रहते निकाल लिया गया था। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश से राहत की बात कही है। इटली में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके पर्यटक छुट्टियों का आनंद लेने के लिए पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए शहर में बने फव्वारों की भी मदद ले रहे हैं।